हेलो चिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत ग्रीन सिनेम अवार्ड्स 2020 में। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? सबसे पहले तमाम भोजपुरिया दर्शकन के उनके आपन और उनके सबसे चहिता प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज हम लोग आए हैं, एक बहुत ही खूबसूरत ये अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया है विजय पांडे जी ने। और बहुत अच्छी बात यह है, बहुत खुशी की बात यह भी है कि ये चूँकि ग्रीनरी से रिलेटेड है, हरियाली से रिलेटेड है, जो कि हर जगह हम लोग ये मैसेज फैलाते हैं। हमारे मोदी सरकार इस चीज़ में लगे हुए हैं, साथ साथ जो भी सरकार हैं, जो भी लोग हैं, वो सभी लोग इको फ्रेंडली होने के लिए बार बार बोलते हैं अपने आसपास हरियाली रखिए। जैसा कि मेरे आसपास दो और तीन, एक और एक तीन तीन हरियाली है ये वाला हरियाली नहीं, वो वाला हरियाली रखिए। अपने आसपास पेड़ों को लगाएं जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि वही है जो हमें बचा के रखे हुए हैं। पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। ये सब सोशल मैसेजेस हैं, ये सब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सबको पता है बात, उसका पालन करिए। एक एक पौधा हम आपके लिए भी लेके आए हैं, आपको भी हमारी तरफ से एक गिफ्ट, विजय पांडे जी की तरफ से एक गिफ्ट। आप क्या एक सोशल मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लगेगा कि आपके फैंस ज़रूर फॉलो करेंगे? पूरे विश्व में अगर हिंदुस्तान जाना जाता है तो सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रांत के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के लोग एक साथ होकर रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान माना भी जाता है और ये एकमात्र ऐसा देश है। तो कृपया इस बात को ख़त्म ना होने दें। आप सबसे विनती बा, इसने प्यार बनाए रखी, एकता बनाए रखी, और हमने के फिल्म भोजपुरी, फिल्म भोजपुरी गाना के देखत रहें, अपन पूरा प्यार देत रहें, अपना चिंटू के पूरा प्यार देत रहें। और ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड से जुड़ल सभी लोग के बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? मैं एक्टर नहीं होता तो या तो मैं क्रिकेटर होता या तो मैं डॉक्टर होता, क्योंकि मैं अपने मेडिकल्स की पढ़ाई कर रहा था और ईश्वर ने, भगवान ने और साथ साथ सब मेरे पूरे भगवान भोजपुरी दर्शकों का जो प्यार मिला, वो अचानक से वो रूप, वो रूट बदल गया। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताएं, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, किस मूवीज में आपको देख सकते हैं? अभी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है एक फिल्म जिसका नाम है प्रेम गीत, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर है। अभी हाल ही में लैला मजनू फिल्म रिलीज हुई, जिसको हमारे दर्शकों ने अथाह प्यार दिया, कई सालों बाद इतनी भीड़, इतनी लोग दिखे सिनेमा हॉल में, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभारी हूँ आप सभी का। और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनल बा जौन फिल्म के नाम बा दोस्ताना। हमने हर बार फिल्म देखी है माँ बेटे के ऊपर, माँ बेटे के इमोशंस हमने हर बार देखे हैं, लेकिन पिता पुत्र का इतने हाई लेवल का इमोशन अब तक किसी सिनेमा में नहीं दर्शाया गया है। वो भोजपुरी सिनेमा में पहली बार देखने को मिलेगा कि पिता पुत्र का दोस्ताना है ये, कि पिता पुत्र का जो रिलेशन है वो किसी भी इमोशन से बहुत ऊपर है। कभी पिता अपने बच्चे को कभी नहीं बोलेगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, आई लव यू बेटा, चूँकि मेरे पिता तो मेरे लिए मेरे फादर ही नहीं, मेरे गॉड फादर भी हैं, भोजपुरी के किंग हैं श्री राजकुमार आर पांडे जी, जिन्होंने भोजपुरी को एक नए आयाम दिए हैं, नए स्तर दिया है, नई पहचान दी है। उनकी फिल्में सिल्वर जुबली हुई हैं, ब्लॉकबस्टर्स हुई हैं कई सारी फिल्में, तो मेरे लिए तो बहुत वो जो इमोशन था वो मैं खुद भी चाह रहा था कि वो जो मेरा और जो मेरे पिता का जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो मैं पहले पर्दे पर भी उतारूं, और वो उतारा गया दोस्ताना के माध्यम से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए और हमारे फंक्शन में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सब भी ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स को ऐसे ही प्यार देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। What's